तो गाइस मैं हो गई हूँ तैयार, डे टू। आज जिम में जाना है, लेग्स वर्कआउट है, तो देखते हैं कहाँ तक मैं कामयाब होती हूँ। बीच बीच में लेग वर्कआउट का आपको भी अपडेट देती रहूँगी। ये पूरा सैलेड गिर गया, मैं रोमन के लिए लेके जा रही थी जिम में, तब इसको साफ करते हैं और फिर निकलते हैं जिम के लिए। निकलने से पहले जो परेशानी आई है, एक तो सैलेड गिर गया सुबह, वो गिर गया, क्या बोलते हैं, ग्लास टूट गया, फिर कौओं ने मेरा सकुलेंट प्लांट खा लिया, फिर अभी निकलते निकलते मुझे इतनी ज़ोर से ग्लास दरवाज़ा लगा। आज का दिन पता नहीं कैसा है। खैर फाइनली, एक्चुअली मेरे को आलस भी आ रहा था वर्कआउट करने के लिए, और मन भी नहीं था, और मैं रीज़न ही ढूंढ रही थी कि मैं जिम नहीं जाऊँ, पर फिर मैंने बोला अब जो होगा देखा जाएगा, जिम निकलते हैं, चाहे भले वहाँ टच करके जय माता दी। सो गाइस फाइनली हिलते डुलते मुहूर्त हो गया और मैं पहुँच गई जिम। अरे यार, सैलेड पार्सल कर रही थी, टिफिन सैलेड में गिर गया, आधा सैलेड किचन में गिर गया। ठीक से बोलना, ओ नो। अभी नींबू जूस जो मिला वो लेकर आई। अरे यार चम्मच तो लाई नहीं।
15 repetitions करना up and exhale. Come on. Five more. पांच और करें जल्दी जा. तो गाइस मेरा ये 10-10 के पीसेस हो गए और अब मैं रेडी लेग कर रही हूँ और इसके बाद मैं 10 मिनट का ट्रेडमिल और मेरा वर्कआउट खत्म. आई मीन काफ रेस. सो तो मैं बैक होम थोड़ा फ्रेशन अप हो गए और मेरी प्यारी चाय, शाम की चाय. तो बस अभी चाय पीने के बाद मेरा जो बचा हुआ बॉटल आर्ट वर्क है वो कंप्लीट करूँगी और वो करने के बाद में आप अपना रिव्यू देके बताइएगा कि यार नई हूँ इस ब्लॉग में, धीरे धीरे सीख जाऊँगी, बस आपका सपोर्ट और सहारा चाहिए. गॉड ब्लेस यू एंड आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ और मस्त रहो. मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में. टेक केयर. एक कप चाय गर्मा गर्म. एंड हे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़. थैंक यू.